Today we shall start force vibration or oscillation. So what is force vibration? When a body capable of oscillation is subjected to an external periodic force, in the beginning it vibrates irregularly because it tends to vibrate with its own natural frequency, whereas the body providing the periodic force called driver tends to force it vibrate with its own frequency. So external periodic force के influence के चलते जब body irregularly vibrate या oscillate करने लगे अपने natural frequency के तहत, उस तरह के vibration को या oscillation को हम लोग force vibration कहते हैं. However, due to the damping force, the amplitude of self-vibration falls off rapidly and soon disappear altogether, and body begins to vibrate regularly with constant amplitude, phase and frequency, which is equal to the frequency of the applied force. Such vibration of a body is called its force vibration. Matlab, डैम्पिंग फोर्स के चलते एम्पलीट्यूड जो है सेल्फ वाइब्रेशन धीरे धीरे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे क्या होता है फॉल करने लगता है और इरेगुलर कंडीशन हट के रेगुलर कंडीशन यहाँ पे आ जाता है विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का फेज और फ्रीक्वेंसी का. तो इस तरह के वाइब्रेशन को हम लोग कहते हैं फोर्स वाइब्रेशन. अब आते हैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन में. सो लेट ए पीरियोडिक फोर्स ऑफ साइक्लिक फ्रीक्वेंसी स्मॉल पी इज अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑफ मास एम नॉट. लेट एक्स बी द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम पोजिशन ऑफ द रेस्ट. देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट. अब इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे. एक बॉडी है जिसका मास है एम नॉट, एक्स है उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट, और उसका साइक्लिक फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे इस केस में स्मॉल पी. सो फर्स्ट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज री स्टोरिंग फोर्स ऑब्वियसली विच इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बट बोथ डायरेक्शन आर ऑपोजिट टू ईच अदर, देयरफॉर रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स. अगर ए यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ए इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डैम्पिंग फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. आफ्टर रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी वी गेट द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड बी. सो बी इज डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी. The third force, the applied periodic force given by Ft is equal to F sin Pt. This is the additional term which is differ from damping force. Damping force में ये term नहीं था, यहाँ पर applied force का एक अलग से एक unit यहाँ पर आएगा. Ft is equal to F sin Pt, where F is the amplitude of applied periodic force. So after considering all three forces acting on the body, we get the equation of the force vibration. So equation of force vibration will be force is equal to all three forces, and force we know that force is equal to mass into acceleration, and acceleration is equal to d2x by dt square. So I am not d2x by dt square is equal to minus ax minus b dx by dt, and the third term plus F sin pt. Now, taking all the right hand side terms into the left hand side, so we get m naught d2x by dt square plus ax plus b dx by dt minus sin pt. Sine f sin pt के वाले term को हम लोग right hand side में रखेंगे, सिर्फ ये दोनों term को हम लोग क्या करेंगे left hand side में लेके आएंगे. इसके पहले जैसे हम लोग damping force या vibration में हम लोग किए थे, अब एडिशनल टर्म यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे.
टू के, पहले एम नॉट से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, एम नॉट से डिवाइड करने के बाद इक्वेशन हमारा हो जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई एम नॉट एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एम नॉट डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम नॉट, क्योंकि एम नॉट से हम थ्रू आउट डिवाइड कर रहे हैं। अब ए डिवाइडेड बाई एम नॉट, तो के का टर्म है यहाँ पे, ए डिवाइडेड बाई एक्स वाले टर्म में हम लोग कंसिडर किए हैं, एक्स का टर्म है मेरा यहाँ पे, एक्स के साथ जो टर्म आ रहा है क्या आएगा यहाँ पे, ए डिवाइडेड बाई एम नॉट, तो म्यू इज इक्वल टू है, म्यू स्क्वायर को हम लोग लिए हैं यहाँ कंसिडर किए हैं, तो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, सो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एम नॉट, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ए डिवाइडेड बाई एम नॉट, एंड बी डिवाइडेड बाई एम नॉट इज इक्वल टू टू के, सो के इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई टू एम नॉट, एंड एफ डिवाइडेड बाई एम नॉट, कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई एम नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एफ, सो स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई एम नॉट, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द ड्राइविंग फोर्स पर यूनिट मास। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इट इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री, एंड इट्स सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हम जानते हैं इस तरह के इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग राइट हैंड टर्म्स को जीरो से इक्वेट करके लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग फाइंड करते हैं, और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है जो सिर्फ राइट हैंड पार्ट को सॉल्व करके हमारा निकलता है। तो द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द सेम इक्वेशन व्हेन द राइट हैंड साइड इज जीरो इज डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू के डी एक्स बाई डी टी प्लस म्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। व्हेन के इज स्मॉल, दैट इज डैम्पिंग इज स्मॉल, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ डैम्प वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू सी ई टू द पावर माइनस के टी साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, वेयर सी एंड डेल्टा आर द कॉन्स्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल कंडीशन एंड द ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी गिवन बाई ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सेम कंडीशन है जो हम लोग डैम्प वाइब्रेशन में पढ़े थे। सेकेंड इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल विच इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेम इक्वेशन व्हेन आरएचएस इज एफ साइन पी टी। सिंस द आरएचएस इज अ सिंपल हार्मोनिक टर्म, साइन इज अ सिंपल हार्मोनिक टर्म, द पर्टिकुलर इंटीग्रल मस्ट ऑल्सो बी द सिंपल हार्मोनिक टर्म ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट द डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड द फेज, एंड हेंस वी मे प्रपोज फॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन पी टी, पी टी जो हमारा था साइन पी टी माइनस फाइव, फाइव फेज पर्टिकुलर कोई फेज होगा एम्पलीट्यूड से चेंज करने के लिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए पी कॉस पी टी माइनस फाइव, यहाँ पी का डिफरेंशिएशन, पी टी का डिफरेंशिएशन, पी बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, फिर पी का एक डिफरेंशिएशन पी होगा तो ये बाहर निकलेगा, तो माइनस ए पी स्क्वायर साइन पी टी फाइव। ये टर्म सेम टू सेम एक्स के बराबर है, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली माइनस पी को हटा के माइनस पी स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पे ए साइन पी टी, ए साइन पी टी माइनस फाइव। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, इसमें हम लोग इसका वैल्यू को पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर एक्स टू के ए पी कॉस पी टी माइनस फाइव प्लस मी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ साइन पी टी। नाउ नेक्स्ट इज टू अरेंज द टर्म्स, सो दीज आर हैविंग द सेम कोफिशेंट, सो म्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, म्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इन टू एक्स, एंड एक्स इज इक्वल टू वट, एक्स इज ए साइन पी टी माइनस फाइव, सो ए साइन पी टी माइनस फाइव। नेक्स्ट इज टू के ए पी कॉस टू के पी ए कॉस पी टी माइनस फाइव, एंड एडिशनल टर्म साइन पी टी, चूँकि यहाँ फाइव का टर्म नहीं है तो इसमें हम लोग फाइव माइनस करेंगे और सब और ऐड करेंगे माइनस फाइव प्लस फाइव, सो ये हो गया म्यू स्क्वायर पी स्क्वायर ए साइन पी टी माइनस फाइव सेम टू सेम प्लस टू पी टू के पी ए कॉस पी टी माइनस फाइव। अब यहाँ पे साइन ए
इसको हम लोग ए मानेंगे पी टी माइनस फाइव को, और इसको मानेंगे बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये मेरा ए है, ये इसको बी मान रहे हैं, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग पुट किए। देयर सिंस द इक्वेशन इज टू बी सेटिस्फाइड फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ टी, द कोफिशेंट ऑफ साइन पी टी माइनस फाइव एंड कॉस पी टी माइनस फाइव ऑन द टू साइड मस्ट बी इक्वल। सो हम लोग इक्वेट करेंगे, मतलब इसका इक्वेशन और इसके कोफिशेंट को हम लोग कंपेयर करना होगा कॉस के टर्म्स को। सो ए सो सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी, द कोफिशेंट ऑफ साइन पी टी माइनस फाइव एंड कॉस पी टी माइनस फाइव ऑन द टू साइड मस्ट बी इक्वल। सबसे पहले देखते हैं कॉस पी टी माइनस फाइव का कोफिशेंट कौन कौन सा है। कॉस पी टी माइनस फाइव का कोफिशेंट यहाँ पे ये टर्म है, और यहाँ कॉस पी टी माइनस फाइव का कोफिशेंट ये है, तो ये हो जाएगा ए म्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, ए म्यू स्क्वायर पी स्क्वायर एफ कॉस फाइव एंड टू के पी ए इज इक्वल टू एफ साइन फाइव। काफ़ी ईजी है, कंपेयर करके किया जा सकता है ना। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द टर्म्स, ये हो जाएगा दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इस साइड में एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, एफ स्क्वायर कॉमन लेंगे कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव वन हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो ये ए का वैल्यू कुछ इस तरह से हमारा आएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से ऑब्वियसली साइन फाइव एफ साइन फाइव डिवाइड बाई एफ कॉस फाइव, एफ एफ कैंसिल, साइन फाइव बाई कॉस फाइव इज इक्वल टू टेन फाइव, यहाँ से इसको दोनों को तो ए ए कैंसिल हो जाएगा, टू के पी डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। इट इज़ द मोस्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द सम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड द पर्टिकुलर। हम लोग जानते हैं इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, इसका सोल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। सो देयरफॉर द जनरल सोल्यूशन इज, ये मेरा पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से आया था, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल से आया, सो ये मेरा सोल्यूशन हो गया। द सोल्यूशन कंटेंस टू ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन इसके लिए, एक ऑक्सीलेशन इसके लिए। द सोल्यूशन कंटेंस टू ऑक्सीलेशन, द फर्स्ट वन इज फॉर फ्रिक्वेंसी ओमेगा डिवाइडेड बाई टू पाई, दिस इज ओमेगा टर्म एंड डाइज अवे विद द टाइम ऑफ द टर्म, बिकॉज यहाँ पे ई टू द पावर माइनस के टी है, तो ऑब्वियसली टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल टर्म डिक्रीज करेगा और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, डाइज हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। द अदर वन इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ पी डिवाइडेड बाई टू पाई विच इज सेम एज दैट ऑफ द अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स एंड एम्पलीट्यूड ए विच इज कॉन्स्टेंट। हैंस इन द लॉन्ग रन द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस, क्योंकि ये टर्म मेरा जो है क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ई टू द पावर माइनस के टी के चलते, ये खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ यही टर्म रह जाएगा लॉन्ग रन के लिए। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन पी टी माइनस फाइव, दिस इज ए सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए हैविंग फ्रिक्वेंसी पी डिवाइडेड बाई टू पाई एंड हैविंग फेज डिफरेंस विथ ड्राइवर ऑफ फाइव, दिस इज द फोर्स वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी हुज वेलोसिटी ऑफ इज गिवन बाई वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, सिंपल है ए पी कॉस पी टी माइनस फाइव इज इक्वल टू ए पी साइन पी टी माइनस फाइव, साइन को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन पी टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू, दैट इज ए पी साइन पी टी माइनस साई, साई हम लोग यहाँ कंसिडर किए हैं फाइव माइनस पाई बाई टू विद द अप्लाइड फोर्स, ये हमारा डेरिवेशन है फोर्स वाइब्रेशन का। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड रेजोनेंस पे। When a body under the action of periodic force perform regular oscillations with maximum possible amplitudes, it is said to be amplitude resonance with the applied force. Then amplitude of force vibration is given by A. ये हम लोग पहले consider कर चुके हैं, A is equal to F. हम लोग यहाँ पर consider कर चुके हैं, इस तरह से A find कर चुके हैं यहाँ पे, तो इसी को हम लोग यहाँ पे use कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर पी स्क्वायर। सो द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम व्हेन दिस कंडीशन इज मिनिमम, ऑब्वियसली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मेरा मिनिमम हो। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी एक्सप्रेशन इट फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल मस्ट बी जीरो। मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम लोग जानते हैं कि उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो से हम लोग इक्वेट करते हैं, तो इसको हम लोग जीरो से इक्वेट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी। सो डिफ्रेंशिएशन इज लाइक दिस, म्यू स्क्वायर पी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू टाइम्स दिस
एंड देन पी स्क्वायर के, पी के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, म्यू तो मेरा कांस्टेंट हो गया, पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस टू पी, एंड देन फोर के स्क्वायर में फिर ये पी इसका टू पी, तो टू इंटू फोर दैट इज़ एट के स्क्वायर, पी इज इक्वल टू ज़ीरो। सॉल्व करेंगे, कॉमन ले हैं टर्म्स, सो ये फोर पी टू से मल्टीप्लाई होने के बाद म्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर कॉमन ले लिए हम लोग दोनों में से। सो नेक्स्ट पी को इधर से इक्वेट करके ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि पी मेरा ज़ीरो नहीं हो सकता है, पी मेरा एम्पलीट्यूड है, सॉरी फ्रिक्वेंसी है, तो सेकेंड पार्ट का फ्रिक्वेंसी है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, तो इसमें नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको ज़ीरो इक्वेट नहीं करेंगे। तो अदर टर्म्स मेरा क्या रह गया, म्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। सो सॉल्व करेंगे तो इस केस से मेरा आएगा पी इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ये इसका फ्रिक्वेंसी जो है पी डिवाइडेड बाई टू पाई है, तो ये फाइंड किए, विच इज़ ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो इट इज़ लेस देन म्यू डिवाइडेड बाई टू पाई, दैट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स इज रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू पाई, विच इज़ स्लाइटली लेस देन देन द नेचुरल, दिस इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी विच इज़ द स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द बॉडी, इफ़ देर आर नो डैम्पिंग दिस कंडीशन वुड बी रिड्यूसेस टू, है कोई डैम्पिंग नहीं हो तो ये कंडीशन किसके बराबर हो, नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर होगा। सॉल्व करेंगे तो फ्रिक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द बॉडी इफ़ देर इज़ नो डैम्पिंग कंडीशन, मतलब कि इसका टर्म कोई भी अगर नहीं हो तो। इस तरह से ये हम लोग डिफाइन किए हम लोग किस टर्म को, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस को। नेक्स्ट हमारा टर्म है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स शिफ्ट फ्रॉम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी द एम्पलीट्यूड फॉल्स, इफ़ देर इज़ ए हैवी रिडक्शन इन द एम्पलीट्यूड for a small departure of the frequency from resonant frequency, the resonance is said to be sharp, otherwise flat. So, thus the sharpness of resonance is defined as the reduction in amplitude when the frequency of the applied force differs slightly from the resonant value in the ideal condition, that is when there is no damping term. Now, the amplitude of force vibration A is equal to F divided by root over mu square P square to the square plus 4K square P square is equal to F. अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, P square के टर्म को बाहर निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये P रहेगा, सो P इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना है P square यहाँ से बाहर निकला तो ये हो गया 4K square, 4K square. अब यहाँ पी स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट है ऑब्वियसली, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे इसको, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है, काफ़ी इजी है क्योंकि हमको पी स्क्वायर कॉमन लेना है, तो यहाँ से इस स्क्वायर में से हम पी कॉमन लेंगे, तो ऑब्वियसली पी कॉमन लेंगे तो ये पी बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, ऑब्वियसली स्क्वायर होके पी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग म्यू भी कॉमन लेंगे तो म्यू भी बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे म्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इस दोनों में से हम लोग पी स्क्वायर को टर्म को कॉमन ले लेंगे, सो कहने के लिए अगर हम लोग यहाँ म्यू पी कॉमन लें तो पी स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो पी आ गया, यहाँ रह गया म्यू, म्यू से बाहर निकले कॉमन लिए तो ऑब्वियसली यहाँ म्यू और पी दोनों कॉमन हो गया, तो यहाँ टर्म क्या रह जाएगा, म्यू डिवाइडेड बाय पी, यहाँ पर भी हम लोग म्यू पी कॉमन लिए हैं तो पी डिवाइडेड बाय म्यू 4k स्क्वायर। व्हेन पी इज़ नॉट इक्वल टू म्यू इज सेड टू दैट द ड्राइवर एंड द ड्रिवन आर मिस ट्यून, इट इज़ कस्टमरी टू टेक द रेशियो पी बाय म्यू एज द मेजर ऑफ मिस ट्यूनिंग, फॉर द गिवन मिस ट्यूनिंग द टर्म या वाट क्वांटिटी म्यू बाय पी माइनस पी बाय म्यू स्क्वायर हैज सेम वैल्यू नो मैटर विच द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर, बट एवर एक्सप्रेशन शोज दैट एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय पी फॉर ए गिवन मिस ट्यूनिंग, हैंस द प्लॉट ऑफ ए अगेंस्ट मिस ट्यूनिंग विल नॉट बी सिमेट्रिकल अबाउट लाइन म्यू इज इक्वल टू पी, सो कर्व इज एट पी इज इक्वल टू म्यू स्ट्रेट लाइन, और हम लोग कर्व से देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड पार्ट जो है वो पी जो है वो लेस देन म्यू है, यहाँ पी है ग्रेटर देन म्यू, कि के का वैल्यू लार्ज मीडियम स्मॉल
और जैसे जैसे के का वैल्यू ज़ीरो हो गया तो ये कर्व जो है शार्पनेस की ओर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। सो इट विल शोज दैट लेस द वैल्यू ऑफ वैल्यू फॉर ए ग्रेटर वैल्यू ऑफ पी दिस इज शोन इन द फिगर। इट इज़ क्लियरली सीन दैट द कर्व दैट स्मॉलर द डैम्पिंग द शार्पर विल बी द रेजोनेंस।